गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज वर्कशॉप का पहला सेशन है और जैसा कि हमने पहले ही कल डिस्कस कर लिया था कि इस वर्कशॉप में हम लोग 10 दिनों के अंदर इन 10 डेज वी विल ट्राई टू लर्न कि व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना है। अगर एक स्टूडेंट को तैयारी करनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आगे 10 दिनों में। मीन्स हम लोग पूरा सिलेबस कवर नहीं करेंगे, विल नॉट बी कवरिंग एंटायर सिलेबस। वी विल बी गिविंग यू अ गुड आइडिया कि हाउ वन स्टूडेंट और स्टूडेंट कैन प्रिपेयर द एंटायर सिलेबस, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सेगमेंट जो आपके सिलेबस के हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था, अलग अलग आपके सिलेबस के जो सेगमेंट हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, या फिर जो बेसिक कोर्स के हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, अलग अलग सेगमेंट से कुछ कुछ टॉपिक्स हम करेंगे और उन टॉपिक्स को हम प्रिपेयर करके आपको बताएंगे कि इन टॉपिक्स को इस तरह से प्रिपेयर करना है, इस तरह से डील करना है, और इन पे अगर सवाल आ जाए तो इस तरह से उस सवाल को आंसर करना है। सो आई होप द एजेंडा इज क्वाइट क्लियर। सो आज, कल भी मैंने अपने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वंस अगेन फॉर्मली। आई एम सत्यजीत कुमार, फैकल्टी एट SPM IAS Academy एंड आई टीच एथिक्स इंटीग्रिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंडियन इकोनॉमी। तो इंटरनेशनल रिलेशन से आज मैंने एक टॉपिक चूज किया है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मैं डील करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से IR के किसी भी टॉपिक को आपको डील करना है और किस तरीके से IR के आंसर्स, इंटरनेशनल रिलेशन के आंसर्स आपको लिखने हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन आपका जो सिलेबस है उसका GS पेपर 2 का हिस्सा है। कल मैंने आपको दिखाया था GS पेपर 2 में सबसे ऊपर पॉलिटी, फिर गवर्नेंस, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर GS पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस के भी अलग अलग सेगमेंट में जाएंगे कि IR के अंदर भी क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं, तो इट इज इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, बायलेटरल रीजनल ग्रुपिंग्स का क्या इंडिया के इंटरेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज पॉलिसीज ऑन इंडिया, इंडियन डायस्पोरा दिया हुआ है आपके सिलेबस में, उसके अलावा डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहां पे इंडिया के इंटरेस्ट किस तरीके से वो इंडिया के इंटरेस्ट को इंपैक्ट करते हैं, वो सब कुछ आपको देखना है। सो इनमें से भी, अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, खाली चार लाइन में लिखा है, लेकिन ये चारों टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है आपको अलग अलग मेंशन से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये पहला टॉपिक ही ले लूं, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, तो नेबरहुड मतलब जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, राइट। अब इतने सारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, चाइना, अब इन सब के साथ हमारे रिलेशंस किस तरीके से हैं, हाल फिलहाल में क्या चैलेंजेज हैं और उसके लिए इंडिया क्या अप्रोच ले रहा है, वो सब आपको डिस्कस करना है, वो चीजें समझनी है। तो समझिए, जब आप ये पहला टॉपिक प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको बेसिक्स तो जानने ही होंगे, बेसिक्स, जैसे इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में क्या क्या हिस्ट्री रही है, कैसे श्रीलंका आजाद हुआ, उसके बाद वहां पे सिंहालीज लोगों का क्या इशू था उनका तमिल लोगों के साथ, उसके कारण इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, ये सब चीजें जाननी होंगी। देखिए, मैं मान के चल रहा हूं कि आप सब फ्रेशर्स हैं तो आपको ज्यादा चीजें नहीं पता है, हो सकता है आपको पता भी हो, बट इस पूरे वर्कशॉप में हम टीचर्स ये मान के चलेंगे कि आपको बहुत कुछ नहीं पता है, इसलिए ये तमाम चीजें मैं एक बार के लिए और डिटेल में नहीं बता रहा हूं। बट हाँ, पॉइंट ये है कि आप जब किसी भी नेबरहुड के साथ, इंडिया के किसी भी नेबर कंट्री के साथ रिलेशंस को प्रिपेयर कर रहे होंगे, जब आप मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो जानने ही जानने हैं, ठीक है, उसके अलावा करंट इश्यूज जानने हैं कि क्या करंट चैलेंजेज हैं, और सवाल पूछे जाएंगे करंट चैलेंजेज से, हिस्टोरिकल इश्यूज से कभी नहीं पूछे जाएंगे। आपसे कोई क्यों पूछेगा कि बताइए 1971 वॉर में क्या हुआ था, वो अब इररिलेवेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पुलवामा के बाद अब इंडिया का क्या पॉलिसी रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, और सवाल उसी पे आएंगे। हाँ, बट फिर भी हिस्टोरिकल रिलेशंस आपको ब्रीफली पढ़ने चाहिए ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो, बट क्वेश्चंस विल नेवर कम डायरेक्टली ऑन द हिस्टोरिकल इश्यूज। तो मुद्दा यह है कि क्वेश्चंस विल कम ऑन द करंट इश्यूज। तो इस कारण से जब आप ये टॉपिक भी प्रिपेयर कर रहे होंगे तो थोड़ा बेसिक देखेंगे, हिस्टोरिकल रिलेशंस इंडिया पाकिस्तान के क्या हिस्टोरिकल रिलेशंस है, इंडिया नेपाल के क्या, भूटान के क्या, बांग्लादेश के क्या, लेकिन ज्यादा फोकस करेंगे करंट चैलेंजेज पे और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, बैकग्राउंड तो सारे कंट्रीज के साथ हमारा कुछ ना कुछ है, हिस्टोरिकल इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन करंट चैलेंजेस अगर मैं थोड़ा निकालने की कोशिश करूं कि क्या क्या करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो श्रीलंका के साथ हाल फिलहाल में ऐसे कोलंबो पोर्ट का
ईस्ट कंटेनर हमें डेवलप करने का प्रोजेक्ट दिया गया था, बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया, सब न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने बताया है। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो चिंता मत करो, ठीक है, ये सब खाली मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। इस तरह के कई सारे इश्यूज हैं हाल फिलहाल में, जो श्रीलंका की सरकार के खिलाफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रिजोल्यूशन लाया गया जिसमें इंडिया ने एब्सटेन कर लिया, वोट नहीं किया, ठीक है। अगर बांग्लादेश से बात की जाए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बांग्लादेश क्या कहता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश से आए हुए जो लोग हैं उनमें जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो उनको इंडिया में सिटीजनशिप दी जाएगी आफ्टर सर्टेन कट ऑफ डेट। वो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का बेसिस ही है कि इन सारे देशों से, पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश से कुछ लोग इंडिया में आए हैं बिकॉज ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, और ये जो बात लिखी गई है रिलीजियस परसिक्यूशन, उस कारण से बांग्लादेश और इंडिया के संबंध थोड़े खराब हो गए हाल फिलहाल में। तो बांग्लादेश कहता है कि आप हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं, योर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज ए काइंड ऑफ एलिगेशन ऑन अस, कि हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज को, हिंदूज को, सिक्स को, जैन को हैरास किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस ग्राउंड। तो इस कारण से रिलेशन हमारे थोड़े खराब हुए थे और उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, कई सारे डिप्लोमेटिक विजिट्स हुए हैं, राइट, हाल फिलहाल में। मिलिट्री कू इन म्यांमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब करंट इश्यूज में बता रहा हूं कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बेसिक्स तो आप जानेंगे ही, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, दीज आर द कोर एरिया जहां से सवाल आने के चांसेस हैं, और आप देखेंगे मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूं इसी में से सवाल आएगा अगला आईआर एग्जाम में, आप देखना अगला जो भी यूपीएससी एपीएससी एग्जाम हो इन्हीं में से कोई ना कोई टॉपिक चुनेंगे। अगर नेपाल की बात की जाए तो काला पानी डिस्प्यूट, राइट, पाकिस्तान की बात की जाए तो आर्टिकल 370, उसको डी ऑपरेशनलाइज करने के बाद पाकिस्तान ने क्या क्या स्टेप्स लिए, ओआईसी में जाकर के इंडिया के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, टर्की के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया पे दबाव बनाने की कोशिश की, तो वो सब चीजें। अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना 70 ईयर्स ऑफ उनके कम्युनिस्ट पार्टी चाइना सेलिब्रेट कर रहा है 1949 के बाद, 2019 से ही वो सेलिब्रेट कर रहा है, इस कारण से वन चाइना पॉलिसी ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, गलवान वैली इंसिडेंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाइना तो ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, अगर क्वाड को फॉर्मलाइज हम कर रहे हैं तो वो चाइना के कारण ही है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाइना के साथ हमारे कई सारे करंट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस। ओके, व्हाई आई बिलीव दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि आपको अभी समझ आ जाएगा। देखिए, अगर आप कोई मुझसे कहे कि सर एक कोई टॉपिक प्रेडिक्ट करो कि जो आपको लगता है कि आईआर में जिसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो मैं कहूंगा इंडिया और अफगानिस्तान, इसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अगर इनमें से भी कोई हॉट टॉपिक मुझे प्रेडिक्ट करना हो तो मैं इस टॉपिक को प्रिपेयर करके आपको दिखाता हूं, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूएस अमेरिका हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स फोर्सेज आउट ऑफ अफगानिस्तान, कि हमें अपने फोर्सेज अफगानिस्तान से बाहर निकालने हैं, और उस कारण से इंडिया के ऊपर, इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर, इंडिया की स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के ऊपर कई सारे इंपैक्ट्स पड़ सकते हैं, और वो जानना जरूरी है। और इंडिया कैसे अपने इंटरेस्ट को अब सेफगार्ड करेगा, ये सवाल आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इस कारण से मैंने इस टॉपिक को चुना है। वैसे तो 25 टॉपिक हो सकते हैं कम से कम, मोर देन 25 टॉपिक्स मे बी देयर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। जस्ट अ मोमेंट, YouTube वीडियो इज नॉट क्लियर, क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स, मुझे कुछ कमेंट्स मिले हैं कि पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको थोड़ा रिजॉल्व कर देते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। आई थिंक अब बेहतर क्लैरिटी है एंड वी कैन रिज्यूम, राइट। सो
हाँ, तब तक मैं कुछ आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। सर, आप लोग पूछ रहे हैं कि सर ये नोट्स आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। आपके लिए के अलग से टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है, उस पर APSC का पूरा सिलेबस और जो कुछ भी इस वर्कशॉप में डील किया जाएगा आने वाले 10 दिनों में, वो पूरा का पूरा नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर आपको हम लोग प्रैक्टिस के लिए देंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं और आंसर्स वहाँ पे सबमिट करने हैं, जिसको हम लोग चेक करके आपको फीडबैक देंगे। इन 10 दिनों में हमारा मेन पर्पस है कि आपको एक अच्छा आइडिया दे दिया जाए कि तैयारी में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। अच्छा, सवाल ये है कि सर हाउ टू नो व्हाट इज रेलेवेंट, अगर करंट इशू है। यहीं आकर के मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो करंट में है, डिस्कशन में है, तो वो रेलेवेंट है। ठीक है, सवाल ये है कि कैसे रेलेवेंस का अंदाजा लगाया जाए। तो अगर हाल फिलहाल में वो मैटर्स डिस्कस हो रहे हैं, कुछ उस पर डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो वो रेलेवेंट है। और काला पानी डिस्प्यूट तो कोई नया है नहीं, काफ़ी पुराना डिस्प्यूट है इंडिया नेपाल के बीच में, लेकिन नेपाल ने पिछले साल इसको रिवाइव कर दिया। इंडिया के साथ टेंशंस बढ़ गए थे काला पानी को लेकर के, ठीक है, इस कारण से ये अब इस साल इंपॉर्टेंट हो गया। और मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कम से कम 3-4 आर्टिकल इसके ऊपर कवर किए थे। तो इस तरीके से पता किया जाता है कि क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है। और मैं आपको, हम लोग आने वाले 10 दिनों में यही आपको एहसास दिलाएंगे। हाँ ठीक है, अभी चिंता मत कीजिए। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टेलीग्राम चैनल का लिंक सब दे दिया जाएगा, जस्ट हैव पेशेंस। आज की इस YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसका लिंक दे दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैंने अभी तक आपको बताया कि मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे आने को और कुछ भी आ सकता है, तो मैं इस टॉपिक को प्रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको प्रिपेयर करना चाहिए आपको एज ए स्टूडेंट। देखते हैं, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस साल, क्योंकि अमेरिका ने फैसला लिया है कि उसके जो सोल्जर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको अब वो वापस बुलाएगा। तो अब हमें जानना होगा कि सोल्जर्स, अमेरिका के सोल्जर्स अफगानिस्तान में कर क्या रहे थे, क्यों गए वहां पे, क्या उसकी बैकग्राउंड है, और अब जब वापस जाएंगे तो उससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये चीजें डिटेल में हमें समझनी होगी। ये जो डिसीजन था कि अमेरिकी सोल्जर्स अफगानिस्तान में है, उनको वापस बुलाया जाए, ये फैसला लिया और इस फैसले की तरफ एक प्रोएक्टिव डिसीजन लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इन्होंने एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर को भी अपॉइंट किया, जालमी खलील जाद। ये सब नाम जरूरी नहीं है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मेंस इज नॉट फैक्चुअल, मेंस इज मोर एनालिटिकल। तो एक जालमी खलील जाद को अपॉइंट किया कि भाई आप नेगोशिएट करो तालिबान के साथ कि बिफोर अमेरिकी सोल्जर्स पुल आउट ऑफ अफगानिस्तान, वहां पे क्या अब नया पॉलिटिकल इक्वेशन होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि तालिबान क्या है वो भी आपको नहीं पता है। दिस सेशन इज फॉर कंप्लीट बिगिनर स्टूडेंट्स, बट फिर भी आप वर्ड्स पर ध्यान रखिए। तालिबान के साथ नेगोशिएशन, तो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि तालिबान है क्या, ठीक है। तो अमेरिकी सोल्जर्स पुल आउट कर रहे हैं, ये प्रोसेस स्टार्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन ये हाल फिलहाल में सबसे जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि जो उनके नए प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, उन्होंने एक टाइमलाइन दे दी कि 11 सितंबर 2021 को अमेरिकी सोल्जर्स पूरी तरह से वापस आ जाएंगे अफगानिस्तान से, दे विल पुल आउट कंप्लीटली। 11 सितंबर ये डेट क्यों रखा है, क्योंकि इसकी एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। आपको पता है 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था अमेरिका के अंदर, इतना तो आप जानते ही होंगे। और ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ है अमेरिका में, यही कारण है अमेरिकी सोल्जर्स का अफगानिस्तान में आने के पीछे, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो मुद्दा यह है कि अब एक प्रॉपर डेट दे दी गई है कि इस तारीख को अमेरिकी सोल्जर्स पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर चले जाएंगे। और अब जाकर के एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हो गई है। इंडिया, पाकिस्तान, जो भी प्लेयर्स हैं जो अफगानिस्तान इश्यूज में इंटरेस्टेड हैं, चाइना, रसिया, ईरान, दे हैव क्रिएटेड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि भाई अब एक डेट आ चुकी है और उसके बाद पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। इसके पहले तक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ठीक है हम पुल आउट करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन अब एक डेट आ जाएगा, डेट आ चुका है। ठीक वैसे ही जैसे आप सबको लग रहा है कि APSC का एग्जाम होगा 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 होगा, आप आराम से मजे मजे में पढ़ रहे हैं, जिस दिन डेट आ जाएगा उस दिन आपका पूरा अप्रोच ही बदल जाएगा कि अब द डेट हैज कम, सो दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी हैज कम इन दिस पर्टिकुलर केस एज वेल। और जो 2500 से लेकर के 3000 तक सोल्जर्स हैं अमेरिका के अफगानिस्तान में, ये पूरी तरह से वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब एक एस्पिरेंट को, जैसे आप एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, आना चाहिए कि अमेरिका के पुल आउट के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे।
आउटकम्स हो सकते हैं और उसमें इंडिया को क्या करना चाहिए अपने इंटरेस्ट को बेस्ट पॉसिबल मैनर में मैक्सिमाइज करने के लिए। तो हम इसी पे अब मैं पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर रिपीट कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो मैं मोटा मोटा बता दूं कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, ठीक है। ये देखिए आप एक बार जरा मैप देख लीजिए। तो ये है हम, ठीक है जी, और ये है अफगानिस्तान। बीच में कौन आता है? हमारा सबसे करीबी पड़ोसी, सबसे जरूरी पड़ोसी पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान, पाकिस्तान फैक्टर के कारण ही अफगानिस्तान हमारे लिए जरूरी है। तो पाकिस्तान एंगल को देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे है, ये है अफगानिस्तान और हम यहाँ इंडिया, ऑफकोर्स, ठीक है। तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इसीलिए पहले टॉपिक में अफगानिस्तान को हमने कवर किया है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस में। अब जरा देखना शुरू करते हैं, अगर हमें करंट चैलेंजेस को समझना है तो हमें अफगानिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स को थोड़ा समझना होगा, फिर हम आगे चल सकते हैं। अगर हमें अच्छे से समझना है कि क्या चल रहा है, क्यों चैलेंजेस हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो हमें अफगानिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स को समझना होगा। तो ये हमारा देश इंडिया, यहाँ पे है अफगानिस्तान। अगर आप देखिए अफगानिस्तान को तो इसकी लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। तो अगर हमने अफगानिस्तान से अच्छी दोस्ती बना ली, अफगानिस्तान सरकार और हम बिल्कुल पॉलिटिकल कोऑपरेशन में होंगे, तो पाकिस्तान को कहीं हद तक हम लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। आप ऊपर में देखिए, ये जो पांच देश दिख रहे हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ये जो पांच देश हैं, दे आर नोन एज सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशियन कंट्री जो है वो एनर्जी में बहुत रिच है, यहाँ कोल मिलता है, यूरेनियम मिलता है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस मिलता है। तो अगर हमें अफगानिस्तान की सरकार के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है तो हम यहाँ से सेंट्रल एशिया में भी एक्सेसिबिलिटी हमें मिल सकती है और सेंट्रल एशिया से हम क्रूड ऑयल, कोल ला सकते हैं। आपको पता है कि हमारा देश इंडिया एनर्जी डेफिशिएंट है, कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी मैं डिस्कस कर रहा था कि 75% to 80% ऑफ आर क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू इम्पोर्ट। तो अफगानिस्तान के कई सारे बेनिफिट हैं क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है ये, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ एशिया भी कहते हैं, राइट। अब अफगानिस्तान कहां लोकेटेड है वो आपने देख लिया, ओके। अगर अफगानिस्तान के अंदर की बात की जाए तो इसके अंदर भी थोड़े बहुत आयरन ओर माइंस वगैरह मिलते हैं, जैसे हाजी काक आयरन ओर माइन या नदन साइड में मिलता है, ठीक है, और कॉपर वगैरह भी मिलते हैं अफगानिस्तान में। लेकिन अफगानिस्तान खुद से इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां के मिनरल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, स्ट्रैटेजिक। तो ये वर्ड पे भी मैं थोड़ा बात कर लूं। स्ट्रैटेजिक टर्म इंटरनेशनल रिलेशन में वो होता है जो हमारे लॉन्ग टर्म विजन को अचीव करने में हमारी मदद करे। जैसे इंडिया का स्ट्रैटेजिक विजन है टू हैव ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहां पे बस एक बॉस ना हो, अमेरिका या चाइना, ऐसा ना हो, यहां पे अलग अलग एरियाज में अलग अलग बॉस हो, देयर शुड बी डिफरेंट ग्रुप लीडर्स, मल्टीपोलर, अलग अलग पोल, यूनिपोलर अगर सिर्फ एक बॉस हो जैसे अमेरिका था, बाइपोलर सिर्फ दो बॉस हो, पूरे दुनिया भर में दो लीडर हो, सुपर पावर हो, अमेरिका चाइना। इंडिया ऐसा नहीं चाहता, इंडिया डज नॉट वॉन्ट बाइपोलर, इंडिया वॉन्ट्स मल्टीपोलर वर्ल्ड। और अब समझते हैं वर्ड स्ट्रैटेजिक का मतलब, जो हमारे इस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में जो भी स्टेप्स मदद करें उनको हम लोग कहते हैं स्ट्रैटेजिक गोल्स, जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद करें, दे आर नोन एज स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो अफगानिस्तान के अंदर अगर हमारी मन मुताबिक सरकार आ जाए, इंडिया के फेवरेबल सरकार आ जाए, तो दैट वुड बी अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक फुलफिलमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, दैट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडिया का डोमिनेंस बढ़ेगा इस पूरे एरिया में। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको ये वर्ड समझ आ रहा है स्ट्रैटेजिक, जो आपके जैसे आपका पर्पस क्या है कि जीवन में आप कामयाब हो, आपको लोग 10 लोग जाने, ठीक है, आपके पास पावर हो, इन्फ्लुएंस हो सकता है ना, आपका हो सकता है ऐसा गोल, तो ये आपका विजन है, लॉन्ग टर्म गोल है। और इसको गोल को अचीव करने के लिए आपका स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या है कि आप सिविल सर्वेंट बन जाए, तो वो आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही इंडिया चाहता है कि एक बाइपोलर वर्ल्ड बने जिसमें हमारा भी पोजीशन हो, और इसको अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट फुलफिल होना जरूरी है कि अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार हो वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में हो, पाकिस्तान के साथ नहीं। तो चलते हैं आगे, चलते हैं।
अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। अगर अब अफगानिस्तान के करंट इशू को हमें समझना है तो अफगानिस्तान की थोड़ी सोसाइटी समझनी होगी। अफगानिस्तान देखिए, वैसे तो अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आई शुड से फॉलो इस्लामिक रिलीजन, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर ट्रेडिशनली कई सारे ट्राइब्स के लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे रहते हैं उज्बेक्स, उज्बेक ट्राइब, यहां तजिक्स, तजाकिस्तान से पास में तजिक्स, तुर्कमेनिस्तान के पास में तुर्क्स, तो अलग अलग ट्राइब के लोग रहते हैं हजाराज, और यहां इस साइड में रहते हैं पश्तूंस, पश्तूंस ये सबसे मेजॉरिटी में है, पश्तूंस 60% पॉपुलेशन इनकी है, बाकी तजिक्स, उज्बेक्स, हजाराज, तुर्क्स सब इस्लाम को मानते हैं, लेकिन इस्लाम से ज्यादा ट्रेडिशनली उनकी जो ट्राइबल आइडेंटिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, रिलीजन से ज्यादा दे आर मोर एसोसिएटेड विद देयर ट्राइबल आइडेंटिटी, एंड दैट इज वाई ये जो लोग हैं, चूंकि पश्तून सबसे डोमिनेंट है 60% की पॉपुलेशन, इसी कारण से ये लोग जो हैं ये आपस में कोलैबोरेट करके पश्तून से कंफ्लिक्ट करते हैं, क्योंकि पश्तून ट्राइब डोमिनेट करता रहा है बाकी ट्राइब्स को, तो बाकी ट्राइब्स उज्बेक्स तजिक्स मिल गए और ये मिल करके पश्तूंस को बैलेंस करने की कोशिश करते रहे। तो मेनली दो ब्लॉक हैं, पश्तूंस और बाकी सब, इनको नॉर्दर्न अलायंस भी कहते हैं, नॉर्थ साइड में है ना नॉर्दर्न अलायंस, तो इनकी ट्राइबल आइडेंटिटी डोमिनेंट रही है, इंपॉर्टेंट रही है देन रिलीजियस आइडेंटिटी। अगर रिलीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो फिर ये आपस में ये नहीं देखते कि अच्छा मैं तजिक्स हूं तुम पश्तून हो, लेकिन दे फॉर देम ट्राइबल आइडेंटिटी मोर इंपॉर्टेंट देन इस्लामिक आइडेंटिटी, एंड दैट इज व्हाई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा आगे बढ़ा, और ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैसा हुआ कि देखिए, मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान के अंदर कौन रूल करता रहा है जनरली पश्तूंस, और यहां से नॉर्थ साइड के जो ट्राइब्स हैं इन्होंने आपस में एक अलायंस बना लिया, कहते हैं इसको नॉर्दर्न अलायंस, ये कोशिश करते रहे कि पश्तूंस को यहां से हटा दिया जाए, और एक इसी तरह का रिवॉल्यूशन किया इन लोगों ने, नॉर्दर्न अलायंस वाले लोगों ने रिवॉल्यूशन किया 1978 में, इसको कहते हैं सार रिवॉल्यूशन, जिसमें कजाक्स उज्बेक्स इन्होंने एक रिवॉल्यूशन किया, और एक वहां पे पश्तून सरकार को हटा करके वो लेकर के आए अपनी एक सरकार अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ नूर मोहम्मद तराकी। अब ये जो नूर मोहम्मद तराकी था, इसकी पार्टी है पीडीपी है, ठीक है, और इस पार्टी की आइडियोलॉजी थोड़ी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रही है, कम्युनिस्ट, और ये मत भूलिए कि ये जो वक्त है ये कोल्ड वॉर का टाइम है, पूरी दुनिया जो है वो दो ब्लॉक में बटी हुई है, यूएस ब्लॉक, यूएसएसआर ब्लॉक, यूएसएसआर ब्लॉक जो है वो कम्युनिस्ट है, यूएस ब्लॉक जो है वो मार्केट मैकेनिज्म या कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। तो नेचुरली आप बताइए, जब नूर मोहम्मद तराकी पावर में आएगा तो इसको यूएसएसआर सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा कि हाँ चलो हमारे फेवर वाली सरकार यहां पे आई है। तो इस तरीके से हुआ क्या कि ये नॉर्दर्न अलायंस ने जब सार रिवॉल्यूशन किया और यहां पे नूर मोहम्मद तराकी को बैठा दिया, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है पीडीपीए वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानती थी, तो मोहम्मद नूर मोहम्मद तराकी को यूएसएसआर का सपोर्ट मिलने लगा, क्योंकि ये कोल्ड वॉर टाइम था और दोनों ही ब्लॉक, यूएस ब्लॉक और यूएसएसआर ब्लॉक चाह रहे थे कि अपनी अपनी आइडियोलॉजी को पूरे दुनिया भर में फैलाए। यूएस चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा देश जो है वो कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट बन जाए, यूएसएसआर चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा देश कम्युनिस्ट बन जाए, तो नेचुरली यहां पे यूएसएसआर का सपोर्ट मिला। लेकिन हुआ क्या कि पश्तूंस तो चुप बैठेंगे नहीं, तो पश्तूंस ने फाइट बैक किया, नूर मोहम्मद तराकी को हटा दिया, इनफैक्ट ही वाज किल्ड, और यहां पे ये अपने मन मुताबिक पश्तूंस ने अपने मन मुताबिक प्रेसिडेंट बनाया हफीजुल्ला अमीन को, हफीजुल्ला अमीन को प्रेसिडेंट बनाया, ठीक है। लेकिन जब हफीजुल्ला अमीन बना प्रेसिडेंट तो नेचुरली यूएसएसआर को गुस्सा आएगा कि भाई खेल हमारे हाथ से निकल रहा है, तो यूएसएसआर ने क्या किया, उसने अपने फोर्सेस भेजे अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, सेंट्रल एशिया से यूएसएसआर के फोर्सेज आए अफगानिस्तान के अंदर और उन्होंने हफीजुल्ला अमीन को भी हटा दिया, इनफैक्ट ये भी मारा गया दिसंबर में ही 1979 में, और इन्होंने अपनी मन मुताबिक बिल्कुल यूएसएसआर के सोल्जर्स आए, सोवियत के सोल्जर्स आए और उन्होंने अपने मन मुताबिक एक प्रेसिडेंट यहां पे बना दिया बबरक कमाल, और यहां पे फिर कैसा हिसाब किताब हो गया कि यूएसएसआर के सोल्जर्स हैं, बबरक कमाल प्रेसिडेंट है, पश्तूंस खेल से बाहर है, पश्तूंस जो यहां की मेजॉरिटी ट्राइब है 60% पॉपुलेशन है सबसे पावरफुल, वो खेल से बाहर है, उनका प्रेसिडेंट मारा गया है, और यूएसएसआर ने इन नॉर्दर्न अलायंस वाले बाकी ट्राइबल्स
में से एक लीडर को बना दिया है प्रेसिडेंट बबरक कमाल को। अब ये देख रहा था अमेरिका, ये सब डेवलपमेंट्स हुए उस टाइम में, और ये देख रहा है अमेरिका, और अमेरिका अब समझ रहा है कि भाई खेल तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्या खेल है? कि ये है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर ने अपनी सरकार बना दी है बबरक कमाल के अंतर्गत, और यूएसएसआर के सोल्जर्स भी यहां खड़े हो गए। और ये वक्त है कोल्ड वॉर का, आपको पता है कोल्ड वॉर मतलब कभी डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे लेकिन दूसरे जगहों पे इनडायरेक्टली लड़ते रहेंगे, प्रॉक्सी वॉर, इसीलिए इसको कहते हैं कोल्ड वॉर, नहीं तो हॉट ना हो जाएगा डायरेक्ट लड़ लें तो, कोल्ड वॉर। तो बबरक कमाल यूएसएसआर, अब अमेरिका सोच रहा हम क्या करें, ये सोच रहा हम क्या करें, तो फिर इन्होंने दिमाग लगाया कि ये जो पश्तूंस हैं क्यों ना इनको बंदूक दिया जाए, इनको पैसा दिया जाए, इनको ट्रेन किया जाए, और इनको कहा जाए कि आप सरकार के खिलाफ लड़ें, जो वहां की सरकार है बबरक कमाल के अंतर्गत, आप यूएसएसआर के सोल्जर्स को मारें और आप अपने हाथ में पावर कैप्चर करें। अमेरिका डायरेक्ट नहीं घुसना चाहता था, अपने सोल्जर्स डायरेक्ट नहीं भेजना चाहता, अदरवाइज तो हॉट वॉर हो जाएगा ना, यूएसएसआर के सोल्जर्स ऑलरेडी हैं और अमेरिका के सोल्जर्स भी पहुंच जाए तो लड़ाई हो जाएगी, ये नहीं करना चाहते। तो कहीं वहां के जो पश्तूंस हैं इनको पैसा दिलवाओ, उनको ट्रेनिंग दिलवाओ। तो फिर चुना गया अपने करीबी देशों को, पाकिस्तान को, सऊदी अरबिया को, और अमेरिका, यहां से समझो, अब ये हो गया, ये तो हम हो गए, ये हो गया अफगानिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गए सऊदी अरबिया, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं अमेरिका के, यूएस और यूएसएसआर का कंट्रोल यहां पे आ चुका है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। अब अमेरिका सोच रहा है हम क्या करें, तो अमेरिका ने पैसा, आर्म्स, बंदूक, हथियार, पैसा सब दिया इन दोनों देशों को, और बोला कि यहां का जो पश्तूंस हैं इसको आप ट्रेन करें, इसको आप बोलें कि ये अपनी सरकार के खिलाफ लड़ाई करें, और दिखाएं ऐसे कि हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन करें इंसर्जेंसी। और इस तरीके से यहां के पश्तूंस ने आर्म्ड रिबेलियन शुरू कर दिया, आर्म्ड रिबेलियन, इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी मतलब जब लोकल लोग ही अपनी सरकार के खिलाफ बंदूक लेकर के सड़क पे उतर आए, अपनी पॉलिटिकल डिमांड करने लगे, तो उसको कहते हैं इंसर्जेंसी। और ये पश्तूंस इंसर्जेंसी करने लगे, और जो इंसर्जेंट पश्तूंस थे, जैसे हमारे यहां पे कैसे अल्फा है, तो यहां के इंसर्जेंट पश्तूंस जो थे, इन्होंने, उनके अपने डिमांड्स हैं, पॉलिटिकल डिमांड्स, तो इंसर्जेंट पश्तूंस, इनको मुजाहिदीन कहा जाने लगा, जो फाइटर्स थे इनको मुजाहिदीन कहा जाना शुरू कर दिया गया, अपने सरकार के खिलाफ ये लड़ाई करने लगे मुजाहिदीन। इन मुजाहिदीन को पैसा कहां से मिल रहा है? पाकिस्तान से, सऊदी अरबिया से, और इनके पीछे बॉस कौन बैठा है? यूएस, ठीक है जी। अब ये मुजाहिदीन का तो इमीडिएट बॉस है पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, ये तो अमेरिका को जानता भी नहीं है कहां से पैसा आ रहा है, इसको तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI या पाकिस्तान की आर्मी है वो उसी को जानता है, तो पाकिस्तान की आर्मी इसकी डायरेक्ट बॉस है, ये इसका डायरेक्ट रिपोर्टी है, ठीक है, और ये इसको रिपोर्ट करता है, इसलिए इसके इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं मुजाहिदीन और यूएस के बीच में। अब ये मुजाहिदीन को ट्रेन किया गया, पैसा दिया गया, पावर दिया गया, और ये लड़ते रहे अफगानिस्तान के अंदर, और हालत यू हो गई कि ये जो 10 साल थे, याद करो मैंने आपको क्या बताया, 1979 में यूएसएसआर सोल्जर्स घुसे थे अफगानिस्तान के अंदर, और 1979 के बाद से अमेरिका ने ये फंडिंग करनी शुरू की इन मुजाहिदीन को। तो ये जो 10 साल थे 1979 से लेकर के आप मान लो 1988 तक, यहां पे खूब लड़ाई हुई, इसको बहुत ब्लडी सिविल वॉर कह सकते हैं आप, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ। कौन लड़ रहा है? तो ये मुजाहिदीन अपनी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है, और इधर से कौन लड़ रहा है? यूएसएसआर के सोल्जर्स, और इधर से मुजाहिदीन, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूएसएसआर। 1988 तक हुआ क्या कि यूएसएसआर वैसे भी कमजोर पड़ने लगा था, कोल्ड वॉर खत्म होने पे आया, आई होप आपको पता होगा कि यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, खत्म हो गया, तो कोल्ड वॉर अब खत्म होने पे आया था। 1988 तक यूएसएसआर पूरी तरह से कमजोर हो गया था,
और अब यूएसएसआर ये लड़ाई नहीं लड़ सकता था। धीरे धीरे यूएसएसआर अब इस कोल्ड वॉर से बाहर निकलना चाहता था और 1998-89 में यूएसएसआर ने फैसला लिया कि भाई अब हम नहीं लड़ सकते इस लड़ाई को, एंड यूएसएसआर स्टार्टेड टू पुल आउट ऑफ अफगानिस्तान। और 1991 में तो यूएसएसआर पूरी तरह से खत्म हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, और डिसइंटीग्रेट होने के कारण कोल्ड वॉर खत्म, कोल्ड वॉर ओवर। अब जब कोल्ड वॉर खत्म तो ये खेल भी खत्म कि यहां से पैसा आएगा, यहां से मनी आएगा, यहां पे पैसा आएगा, इनको ट्रेन किया जाएगा, यहां से फंड आना भी यूएस से बंद हो गया। अब ये पाकिस्तान सोच रहा है कि अब क्या करें इनका, इनको तो हमने डायरेक्ट अपॉइंट किया था अपने बॉस के कहने पे, अमेरिका के कहने पे, अब बॉस कह रहा है ये प्रोजेक्ट खत्म, और ये मुजाहिदीन कह रहे हैं कि और पैसा लाओ और गन्स लाओ, हमें तो लड़ाई करनी है। ठीक है, मुजाहिदीन फाइटर इंसर्जेंट्स, अब पाकिस्तान ने दिमाग लगाया कि इन मुजाहिदीन का हम क्या कर सकते हैं, और पाकिस्तान ने दिमाग लगाया। और पाकिस्तान के देखिए इस टाइम में 1978 तक उनके प्रेसिडेंट हैं जनरल जियाउल हक, ये जियाउल हक साहब हैं, ठीक है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट 78 तक रहे हैं 10 साल, ये तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये पहले आर्मी जनरल थे, जबरदस्ती मिलिट्री कू करके पावर अपने हाथ में लिया है, तो इनको तो पूरा हिस्ट्री पता है कि कैसे 47-48 में इंडिया से पिटे थे, फिर 65 में पिटे थे इंडिया से, फिर 71 में तो इंडिया ने घुस के मारा था और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, तो इनको तो सब कहानी पता थी, इनसे बेहतर कौन जान सकता कि खुद आर्मी में थे। तो अब ये एज ए प्रेसिडेंट एक पॉलिसी लेकर के आए पाकिस्तान की कि वी विल नाउ ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 cuts। अब भाई इंडिया से ये क्या है इसको जरा समझिए, इंडिया से डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे भाई, इंडिया से डायरेक्ट आर्मी टू आर्मी लड़ाई नहीं होगी, मैन टू मैन लड़ाई के लायक तो हम है नहीं। तो नाउ वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 cuts का मतलब ये है कि अब इंडिया के अंदर हम टेररिस्ट फैलाएंगे, टेररिज्म फैलाएंगे, ठीक है, वहां पे लोगों को पैसा दिया जाएगा कि अंदर से इंसर्जेंसी करो। इनको ने तो देख लिया था कि कितना बढ़िया अंदर से इंसर्जेंसी कराने में कितना बढ़िया काम हुआ अफगानिस्तान के अंदर, तो बोले यही इंडिया के केस में भी करेंगे, डायरेक्ट ना लड़के वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 cuts। 1000 cuts मतलब अंदर से टेररिज्म फैला फैला करके लोगों को पैसा देंगे और उनको रेडिकलाइज करेंगे इन द नेम ऑफ रिलीजन। और ये पॉलिसी जियाउल हक साहब की, इसके पीछे के कारण 3 बार पिटना प्लस अफगानिस्तान में एक्सपीरियंस, और इनको लगा कि ये ज्यादा बढ़िया है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, डायरेक्ट लड़ने में बड़ा तकलीफ होता है, तो ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 cuts की पॉलिसी लेकर के आए। और ये ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 cuts की पॉलिसी में इनके लिए सबसे बढ़िया कौन काम करने वाला था, ये मुजाहिदीन, जो अब अफगानिस्तान का प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था, अमेरिका ने कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट खत्म, अब हमें मतलब नहीं है, ये यूएसएसआर तो खत्म हो गया तो कोल्ड वॉर भी खत्म, ठीक है। अब पाकिस्तान सोच रहा है, जनरल जियाउल हक सोच रहे हैं कि भाई क्या करें, ये तो है अपने इतने सारे लड़के हैं अपने, बढ़िया बंदूक चला लेते हैं। अब इसको धीरे धीरे पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है, अब हम अपना प्रोजेक्ट चलाएंगे, ये प्रोजेक्ट खत्म यूएस और पाकिस्तान के थ्रू मुजाहिदीन खत्म, अब पाकिस्तान ने कहा कि हम अपना प्रोजेक्ट चलाएंगे, इन मुजाहिदीन को इंडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा और इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाई जाएगी। और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, बाहर से लड़के जाएंगे ये मुजाहिदीन और इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाएंगे, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा हमारा अप्रोच इन ऑर्डर टू अचीव आवर गोल, दैट इज टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 cuts। ठीक है, तो एकदम सेटिंग हो गया कि चलो ये प्रोजेक्ट खत्म, नया प्रोजेक्ट चालू। लेकिन ये जो नया प्रोजेक्ट था, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत जरूरी था कि ये जो पश्तून थे जिनको अमेरिकन प्रोजेक्ट के टाइम में मुजाहिदीन कहा गया, जो अपने ट्राइबल आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे थे, इनकी अब ट्राइबल आइडेंटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कराना था रिलीजियस आइडेंटिटी, कि भाई तुम मुसलमान हो। भाई इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान कौन सा खेल खेलने वाला था कि इंडिया जो है वो भारत हिंदुओं का देश है ऐसा दिखाना चाह रहा है, तब तो जाकर के इन मुजाहिदीन को इंडिया के खिलाफ भड़काएगा। तो इंडिया हिंदुओं का देश है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी अब नहीं बन गई कि इंडिया हिंदुओं का देश है और तुम मुजाहिदीन नहीं हो, तुम पश्तून कम हो, तुम मुसलमान ज्यादा हो, और देखो इंडिया में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों को हरास किया जा रहा है, ऐसा पाकिस्तान
बता रहा है मुजाहिदीन को। तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI आर्मी अब अपने इन मुजाहिदीन को इनकी इनके अंदर से इनका ब्रेन वॉश कर रही है कि तुम पश्तून बाद में हो, तुम इस मुसलमान पहले हो, और देखो तुम्हारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, देखो मस्जिद गिरा दिया, देखो ये बम ब्लास्ट कर दिया, अपने अपने एंगल से वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये जो मुजाहिदीन थे इनमें से कुछ मुजाहिदीन तो वापस नॉर्मल चले गए, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, USSR चला गया, तो अपना नॉर्मल लाइफ बिताने लगे। इन्हीं में से कुछ मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने इतना रेडिकलाइज किया कि ये इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग हो गई, जब कहें कि अब हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ करेंगे, तो पहले अपने देश में अफगानिस्तान में प्योर इस्लामिक कल्चर हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहां पे, और फिर दुनिया में खासकर इंडिया में या कहीं पे भी इस्लामिक रिलीजन के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा है तो उसको हम रोकेंगे। एंड दैट लेड टू राइज ऑफ तालिबान। तो देखिए, तालिबान और मुजाहिदीन लोग एक ही हैं, लेकिन मुजाहिदीन कोल्ड वॉर के टाइम में जब ट्राइबल आइडेंटिटी वाज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजियस आइडेंटिटी, एंड तालिबान वेयर रिलीजियस आइडेंटिटी इज वेरी वेरी मोर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ट्राइबल आइडेंटिटी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हमारे मुस्लिम भाइयों को ऐसा इनको सिखाया जा रहा है, ठीक है। और फिर पाकिस्तान का अपना नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि अब तालिबान का इस्तेमाल किया जाएगा इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाने में। यहां पे आपको अगर आप ध्यान से एक बात सोचोगे तो आपको एक बात समझ आ जाएगी कि इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान और USSR, आपने कई सारी फिल्में देखी होंगी जहां पे कश्मीर के अंदर शूटिंग होती रही है, पहले जमाने में डल लेक पे गाना गा रहे हैं, देखा होगा ना। मुद्दा यह है कि कश्मीर वाज वेरी मच पीसफुल, कश्मीर काफी शांति पूर्वक चल रहा था 1990 तक, पीसफुल था, तभी तो फिल्मों की शूटिंग हो रही है। आज के टाइम में होती है क्या? नहीं होती है। तो आखिर क्या हुआ 1990 में कि कश्मीर इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया? तो ये हुआ है, कोल्ड वॉर खत्म हुआ है। अब जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ और अफगानिस्तान के अंदर जो मुजाहिदीन हैं इनको जब इधर डाइवर्ट करना शुरू किया गया और ये धीरे धीरे हमारे देश के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन करके इंडिया में घुसने लगे, खासकर कश्मीर में, और फिर देखिए कश्मीर डिस्टर्ब होने लगा। फिर आपको पता है कश्मीरी पंडितों के साथ एट्रोसिटीज हुई, उनको निकाला गया, ठीक है। धीरे धीरे कितना वायलेंस बढ़ गया कश्मीर के अंदर, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाना पड़ा। आज के टाइम में भी कश्मीर कितना ट्रबल्ड है, जिसी कारण से तो आर्टिकल 370 को डी ऑपरेशनलाइज करना पड़ा ताकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव किया जा सके। तो ये 1990 के बाद से कहानी बदली है, ये जो कहानी बदली है 1990 के बाद से, एकाएक से राइज इन टेररिज्म, तो राइज इन टेररिज्म और एंड ऑफ कोल्ड वॉर, दीज टू थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। कोल्ड वॉर खत्म, मुजाहिदीन के लिए नया प्रोजेक्ट, इन मुजाहिदीन को ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान ने तालिबान बना दिया, ठीक है। और ये तालिबान अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करा रहे हैं। सो दीज टू थिंग्स आर इंटरलिंक्ड दैट यू मस्ट नो। ये बात अगर आप जानते हो तो इस बात को आप अच्छे से जानते हो कि पाकिस्तान और तालिबान, खासकर पाकिस्तान की जो ISI है इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान आर्मी और तालिबान के बीच में मास्टर और स्टूडेंट का रिलेशन है, तालिबान को उन्होंने ट्रेन किया है, और तालिबान जो है वो एंटी इंडिया स्टैंड रखता है ट्रेडिशनली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जब ये शुरू हुआ था, और तालिबान ही रीजन है पाकिस्तान की मदद से उसने इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाई है 1990 के बाद से। कश्मीर के अंदर इतने डिस्टर्बेंस होने के पीछे यही इंपॉर्टेंट कारण है राइज ऑफ तालिबान। तो क्या है तालिबान? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वही पश्तून हैं लेकिन इनकी प्रायोरिटी बदल गई। क्या प्रायोरिटी बदल गई? नाउ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी इज बिकेम मोर इंपॉर्टेंट, और फॉर्मली इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया तालिबान। तालिब मुस्लिम, तालिब मतलब होता है एजुकेशन, कि अब जो नई तालिब है प्योर इस्लामिक आइडेंटिटी से निकली हुई तालिब, वो देंगे हम अपने स्टेट में और बाकी पूरे दुनिया भर में, यानी कि रेडिकल हो गए एकदम फंडामेंटलिस्ट, कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, धर्म के नाम पे लोगों को मार देंगे, काट देंगे, ये काम शुरू किया इन्होंने। They wanted to have complete control over Afghanistan. उन्होंने complete control भी कर लिया, शरीयत लॉ लगा दिया। आपको पता शरीयत लॉ इस्लाम के अंदर थोड़ा रेडिकल लॉ माना जाता है, 100 करोड़ की सजा चोरी करने पे एंड ऑल दैट,
औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। तो अफगानिस्तान जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव स्टेट था, थोड़ा लिबरल स्टेट था पहले, आप देखिए 1970s के वीडियो जाके देखिए, अफगानिस्तान की औरतें घूमती थी मार्केट में, अपना बेसिक काम करती थी। वो तालिबान के बाद ये सब खत्म, क्यों? क्योंकि तालिबान रेडिकल, और वो रेडिकलिज्म कौन लेके आए? पाकिस्तान। और तालिबान जो है, ये तालिबान इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैला रहा है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपको पता ही होगा। देखिए, तो ये बात मैंने यहां दे रखी है, नोट्स में मैं दे दूंगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कि दी जाता सेम मुजाहिदीन, अर्लियर फाइटिंग फॉर पश्तून आइडेंटिटी, नाउ फाइटिंग फॉर इस्लामिक रेडिकल आइडेंटिटी। आपको इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि कैसे तालिबान ने हमारे देश के अंदर टेररिज्म फैलाया, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये जो कांधार में फ्लाइट हाईजैक हुआ था। हुआ क्या कि नेपाल से ये फ्लाइट चली, इसको ये नेपाल से फ्लाइट चली, आना था इंडिया में, इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया तालिबानियों ने, ठीक है, कुछ मुजाहिदीन ने, और इधर उधर घुमाते घुमाते वापस ले जा करके पहुंचाए इन्होंने कांधार, तालिबान अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने लैंड कराया, ठीक है। और यहां पे फिर टेररिस्ट तो चार पांच ही थे जिन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था, पांच थे इनफैक्ट, लेकिन यहां पे फिर चारों तरफ से तालिबानी सोल्जर्स ने, तालिबानी मुजाहिदीन ने घेर लिया। और मजे की बात है कि तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान के ISI वाले भी पहुंच गए, पाकिस्तान आर्मी वाले भी पहुंच गए और पूरी तरह से घेर लिया। और इसमें बैठे थे ज्यादातर इंडिया के पैसेंजर्स बैठे थे, और फिर कहने लगे कि अब हमारे जो टेररिस्ट लोगों को तुमने पकड़ा है, इंडिया के साथ नेगोशिएट करने लगे, जो हमारे टेररिस्ट लोगों को पकड़ा है उसको छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे जो लोग हैं सिविलियन उनको मार देंगे। ये जो 1999 में ये इशू हुआ था, दैट वॉज मतलब द पीक फ्लैश पॉइंट, जब पता लग गया था कि भाई तालिबान और ISI पाकिस्तान आर्मी एकदम कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। ये हमारे अजीत डोवाल साहब जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनको भेजा गया था उस टाइम में अफगानिस्तान के अंदर, और अजीत डोवाल साहब ने कहा कि भाई ये जो प्लेन है ना, ये खाली पांच टेररिस्ट वाली बात नहीं है, ये प्लेन के आसपास में तालिबान घेर के खड़ा है इसको, और तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान भी घेर के खड़ा है, अगर ये दोनों उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो इंडिया अपने सोल्जर अपने लोगों को तो आराम से छुड़ा लेता, अपने कमांडोज तो आराम से छुड़ा लेते अगर तालिबान का सपोर्ट इन टेररिस्ट को ना होता तो। लेकिन कैसे नहीं होगा, ये टेररिस्ट तालिबानी ही तो थे, और तालिबानी किसके ऑर्डर पे काम कर रहे थे? पाकिस्तान के ऑर्डर पे। और इस कारण से इंडिया के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, इंडिया को जो इनके टेररिस्ट थे जो इंडिया के जेलों में बंद थे, जैसे मसूद अजहर, उमर सईद, इनको छोड़ना पड़ा, और ये लोग आज तक हमें तकलीफ दे रहे हैं। मसूद अजहर, इसका हाथ है पुलवामा में, इसका हाथ था 2008 वाले मुंबई टेरर अटैक में। ये उमर सईद, इसने एक अमेरिकन जर्नलिस्ट डेनियल पर्ल को मार दिया था। तो ये लोग They are creating trouble for India till day, ठीक है। तो अब आप समझिए कि कैसे तालिबान ने हमारे लिए कितनी सारी तकलीफें बढ़ा दी हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और राइज ऑफ टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान सॉयल, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है जी। तो तालिबान हमारे लिए तकलीफ, टेररिज्म, और हो क्या रहा है, अब जरा समझिए, अब आपको समझ आएंगी कुछ और चीजें। अब जब हमारे देश में 1999 में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो हम कह रहे हैं अमेरिका को कि भाई कुछ करो, तुम्हारे लोग हैं ये, तुम्हारी फंडिंग है ये, लेकिन अब देखो हमें झेलना पड़ रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और अमेरिका हंस रहा है। अमेरिका को लगता है कि हम तो सुरक्षित हैं, एक तरफ तो अटलांटिक ओशन, दूसरे तरफ पैसिफिक ओशन, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ये टेररिज्म से हमारा क्या बिगड़ने वाला है। लेकिन अमेरिका जो है नादान था, अमेरिका को पता नहीं था कि लादेन जो इन्हीं तरह का एक रेडिकल फंडामेंटलिस्ट ग्रुप चला रहा है अलकायदा सऊदी अरबिया बेस्ड, वो अमेरिका के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि आप ध्यान से समझिएगा अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बात अब सिर्फ इंडिया की नहीं है, पाकिस्तान के लिए इंडिया को हरास करना इंपॉर्टेंट था, कट ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 cuts, लेकिन ये जो तालिबानी है या उसके एसोसिएटेड जो इनके ऑर्गेनाइजेशंस थे, एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे अलकायदा था एक, उन सब का मेन ऑब्जेक्टिव था कि पूरे दुनिया भर में इस्लामिक ऑर्डर लाया जाए, और उनमें से एक लीडर था ओसामा बिन लादेन, ये अलकायदा चला रहा था सऊदी अरबिया से। ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, पढ़ा लिखा इंसान था,
ये जब अमेरिका गया ना तो देखा, कह रहे तो लोग कैसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ऐसे ही गले में हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं। इसको लगा कि इस्लाम तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा, तो इसको टेंशन हो गया, ये वापस आया। इसने फिर अलकायदा बनाया, बोला कि अब जहां जहां पे इस्लाम को खतरा है उसको हम उस सिविलाइजेशन को बदलेंगे, ओसामा बिन लादेन। और अमेरिका खुश है कि अच्छा इंडिया को झेलने दो टेररिज्म, हमें क्या, उसको क्या पता था कि लादेन प्लानिंग कर रहा है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है, क्यों, क्योंकि ये इसके लिए इस्लाम, रेडिकल इस्लाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। औरतें घर में रहें, बुरके में रहें, ठीक है, ये उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे देख सकता है कि लोग जींस टी शर्ट में घूम रहे हैं। तो इसने प्लानिंग शुरू की और इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया अलकायदा, अलकायदा और तालिबान। अलकायदा अफगानिस्तान से, तालिबान अलकायदा सऊदी अरबिया से, और तालिबान अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपस में इन्होंने कोऑर्डिनेशन बनाया। और तालिबान को तो इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाने के लिए, लेकिन ये जो अलकायदा है ये प्लानिंग कर रहा है कि हम अमेरिका पे अटैक करेंगे, क्योंकि अमेरिका ज्यादा बड़ा दुश्मन है। अमेरिका के अंदर इस्लाम की ज्यादा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अमेरिकन कल्चर और इस्लामिक कल्चर में ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। इंडियन कल्चर तो फिर भी ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। और ये अलकायदा और तालिबान के बीच में कोऑर्डिनेशन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करना चाहते हैं। पाकिस्तान खाली इंडिया एंगल देख रहा है, लेकिन तब तक दूसरा खेल भी हो गया, तालिबान अफगानिस्तान अलकायदा के बीच में कोऑर्डिनेशन हो गया। उन्होंने 2001 में यूएस के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक कर डाला, अमेरिका को भी सरप्राइज कर दिया, उनको लगता था कि हमें क्या, और हुआ क्या, अटैक। अब अमेरिका कहते हैं कि हमें ओसामा बिन लादेन चाहिए, ये तालिबान से कहते हैं कि हमें ओसामा बिन लादेन चाहिए, तुम खाली ओसामा को दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे। तालिबान कहता कि नहीं, हम ओसामा को नहीं देंगे, हम रेडिकल इस्लाम को प्रमोट कराना चाहते हैं, और ओसामा ने जो किया है ठीक किया। तो अमेरिका ने कहा चलो ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अमेरिका ने फिर ऑपरेशन लॉन्च किया, अमेरिका के चलो कोई बात नहीं, तो अब हम आते हैं। और अब अमेरिका ने फैसला लिया कि अब हम तालिबान को खत्म कर देंगे। 2001 में अमेरिका ने इस 9/11 अटैक के बाद अपने सोल्जर्स भेजे अफगानिस्तान में, बोला ना तुम रहोगे ना तुम्हारा दोस्त बचेगा ओसामा। और फिर शुरू हुआ मारपीट, अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। अमेरिका तो इसी सोच में आया था कि तालिबान को खत्म कर देंगे पूरी तरह से, यहां पे एक सरकार ले आएंगे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ले आएंगे, और पूरी तरह से पीस ला करके वापस चले जाएंगे, टेररिज्म को खत्म कर देंगे। फैलाया इन्होंने है, कचरा इन्हीं का है, अब उस कचरे को साफ करने आ रहे हैं, ठीक है, सोचा तो यही था, क्योंकि उस कचरे का इंपैक्ट इनके घर तक पहुंच गया था। इनको लग रहा था खाली इंडिया तकलीफ में आएगा, लेकिन इनके घर तक पहुंच गया था। तो अब अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम चालू किया अमेरिका ने, कुछ कुछ जगह पे तालिबान को हटा दिया, इलेक्शन कराया, तालिबान के अंदर डेमोक्रेटिकली, अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर के आए। हमीद करजाई की सरकार आई, बाद में वहां पे अशरफ घानी की सरकार आई, तो मतलब वहां पे डेमोक्रेसी वगैरह लाने की कोशिश की अमेरिकी सोल्जर्स अपने देख रहे, क्योंकि तालिबान फिर भी कहीं कहीं पे एक्टिव था ही, कहीं कहीं बम मार के भाग जाता था। तो अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम अमेरिकी सोल्जर्स चला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है कि तालिबान को खत्म कर देंगे। इस प्रोसेस में बीच में ओसामा भी पकड़ा गया, कहां पकड़ा गया, पाकिस्तान के अंदर, आपको पता होगा, राइट, मतलब ये ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, अलकायदा सब कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी कहेगा नहीं, बोलेगा हम पे भी तो टेररिज्म का अटैक हो रहा है। तालिबान को फिर भी ये खत्म नहीं कर पाए। सवाल ये है कि ओसामा को तो फिर भी पकड़ लिया, लेकिन 20 सालों में तालिबान को खत्म नहीं कर पाए, कहीं बम मार के भाग जाता था। अब यही कारण है कि 20 साल बाद इन्होंने फैसला लिया कि भाई अपने सोल्जर्स को वापस बुलाओ, कब तक लड़ेंगे, कब तक हमारे सोल्जर्स ही मरेंगे, 4 उनके मरेंगे, 2 हमारे मरेंगे। और वो जो फीलिंग थी बदला लेने की फीलिंग, वो वैसे भी पूरी हो गई थी, ओसामा को पकड़ लिया गया था, मार दिया गया था। पहले तो 2001 में सबको गुस्सा था अमेरिकी को कि बदला लेंगे, ओसामा को पकड़ेंगे, वो भी खत्म हो गया था, वो बड़ा खर्चा हो रहा था अमेरिका का। अमेरिका ने फैसला लिया कि वापस निकलते हैं, तालिबान से थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते कि यार बम बम ना फोड़ो, थोड़ा शांति से काम करो, और अमेरिकी सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। ये फैसला शुरू हुआ और इसी से रिलेटेड ये करंट डेवलपमेंट है कि तालिबान से नेगोशिएशन चालू हुआ एंड यूएस वॉन्ट्स टू विड्रॉ। अब इंडिया की टेंशन शुरू हो गई कि जब तक 20 साल तक अमेरिका था वहां पे, तब तक तो तालिबान अमेरिका से लड़ के परेशान था, ठीक है,
अमेरिकी सोल्जर से लड़ रहा था, अब अमेरिका निकल गया तो फिर ये तालिबान पाकिस्तान इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाएगा। तो इंडिया की टेंशन बढ़ गई है आफ्टर दिस न्यूज कि भाई यूएस जा रहा है, अब अमेरिका चला गया तो फिर तकलीफें बढ़ जाएंगी। और जैसे ही अमेरिका ने डेट दे दिया, अभी तो ये चल ही रहा था कि जाएंगे जाएंगे दो साल से, जैसे ही अमेरिका ने डेट दे दिया कि भाई इस तारीख को हम जा रहे हैं, इंडिया के अंदर जो नॉर्थ ब्लॉक है जहां पे हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती है दिल्ली में, खलबली मच गई कि अब अपने को कुछ करना होगा, अफगानिस्तान के अंदर कुछ करना होगा, नहीं तो फिर वही कहानी शुरू की कोई प्लेन हाईजैक हो गया, कहीं टेररिस्ट घुस गए, बम मार दिए। वैसे बीच में भी होता रहा है लेकिन ये बाद में और बढ़ जाएगा, और इसी कारण से ये बहुत जरूरी टॉपिक है इस साल के लिए। अब आपको समझ आने लगा होगा, अगर आप हिस्ट्री समझ गए तो आपको समझ आने लगा होगा कि ये तारीख इंडिया को क्यों तकलीफ दे रहा है, क्योंकि इसके बाद अमेरिका बाहर, अब ये रोकने के लिए नहीं है तालिबान को, तालिबान फिर खुला घूमेगा अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में तो राज करेगा ही, आईएसआई की मदद से पाकिस्तान के इंडिया में फिर टेररिज्म फैला सकता है। तो अब इंडिया की क्या तकलीफें हैं? इंडिया का जो मेन प्लान था कि पाकिस्तान को सैंडविच कर देंगे, ये इंडिया की पॉलिसी रही है विद रेस्पेक्ट टू पाकिस्तान कि एक तरफ तो हम हैं ही, दूसरे तरफ अफगानिस्तान के अंदर अगर पूरी तरह से अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी ला दी जाए, वहां पे सरकार ला दिया जाए, तालिबान को खत्म कर दिया जाए, तो बीच में पाकिस्तान फंस जाएगा और पाकिस्तान को हम दोनों तरफ से हरास करेंगे, ठीक है, इधर से कभी क्रॉस फायरिंग कराएंगे, कभी इधर से फायरिंग कराएंगे, देखते कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाता है। ये जो पॉलिसी थी ये फेल होती हुई दिख रही है, अब वापस से तालिबान आ जाएगा, ये टेंशन हो रहा है हमें। और तालिबान तो आपको पता है कि इट वर्क्स इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान, बॉस तो इसका यही था ना, तो अब टेंशन है हमें कि अब क्या करें, तालिबान आ रहा है और पाकिस्तान की क्या पॉलिसी रही है। पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर दिखाता है कि जो इंडिया वाले हैं, इंडिया वाले जो हैं ये एंटी मुस्लिम हैं, और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है इसको चढ़ाता रहता है कि मारो इनको। अब इसी कारण से इंडिया जो है वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार जो है अशरफ घानी उसको सपोर्ट करती है कि भाई इसको रोको, तालिबान को रोको। अमेरिकी सोल्जर्स का सपोर्ट था भी अशरफ घानी को, लेकिन अब ये जा रहे हैं, अब तालिबान पावरफुल होगा तो जो इंडिया का इमेज खराब कर रखा है अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने कि हम एंटी मुस्लिम हैं, वो इमेज को और ज्यादा खराब करेगा, वहां के लोकल तालिबानियों को भड़काएगा इंडिया के खिलाफ। ये है इंडिया का मेन टेंशन, और इससे इंडिया की हर तरह से इंटरेस्ट को खतरा है, इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ सकता है, इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को खतरा है, सैंडविच पाकिस्तान पॉलिसी फेल होती हुई दिख रही है। अभी अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक गोल क्या है कि हमारा रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़े, स्ट्रेटेजिक गोल तो यही है ना। अब जब अगर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा तो नेचुरली चाइना का भी इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान तो आपको पता है ऑल वेदर फ्रेंड कहे जाते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान ये सब प्रो चाइना हो गए तो इंडिया की तकलीफें बढ़ जाएंगी, तो ये सब हमारा स्ट्रेटजिक लॉस है। एक्सेसिबिलिटी टू सेंट्रल एशिया जो मैंने बताया था एनर्जी वगैरह के लिए, क्रूड ऑयल कोल के लिए, वो प्लान भी फेल हो जाएगा। तो एनर्जी सिक्योरिटी गया, स्ट्रेटजिक गोल गया, हर तरीके से इकोनॉमिक इंटरेस्ट गया, जो हमने को बहुत सारे मिनरल लेकर के आ रहे थे सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान के अंदर भी हमने थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, हाजी का आयरन ओर से थोड़ा सा आयरन ओर निकाल रहे थे, वो सब अब सब लॉस में आ जाएगा। तो ये है मोटा मोटा खेल अभी तक का। हम क्या कर रहे थे अभी तक, यहाँ की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे और सरकार को थोड़ा बहुत पैसा दे रहे थे कि सरकार वहां पे पूरी तरह से डेमोक्रेसी लेकर के आए, डेवलपमेंट लेकर के आए और इंडिया का इमेज अच्छा हो। जो पाकिस्तान गंदा खेल खेल रहा है कि इंडिया को एंटी इस्लाम की तरह दिखाया जाए, वो गेम को काउंटर करने के लिए हम यहाँ पे डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी तक तो यही खेल खेल रहा था, चल रहा था, ये हमें बदनाम कर रहा है और हम कह रहे हैं तुमको जो करना है करो, हम अच्छा अच्छा काम करते रहेंगे, डेवलपमेंटल गोल्स अचीव करते रहेंगे, एजुकेशन में, हेल्थ में, कहीं हॉस्पिटल बना देंगे, कहीं स्कूल बना देंगे, कैसे बदनाम करोगे, तुम्हारे कहने से तो होगा नहीं। तो ये गोल था अभी तक, लेकिन ये सारी पॉलिसी अब फेल होती हुई दिख रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा डेवलपमेंटल अप्रोच था, उसमें कई सारे काम हमने किए हैं पिछले 20 सालों में। एक तरफ अमेरिका रोके हुए है तालिबान को, पाकिस्तान बदनाम कर रहा है, इंडिया जो है वो अपना डायरेक्ट नहीं लड़ रहा है, डायरेक्ट सोल्जर्स नहीं भेज रहा अफगानिस्तान में, क्योंकि बहुत खर्चा है, सोल्जर्स हमारे सोल्जर्स को खतरा है, प्लस अगर हमारे सोल्जर्स सीधा उतर गए
जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, आई थिंक ये अभी भी चल रहा है, सो वी कैन कंटिन्यू. अगर हमारे सोल्जर सीधा उतर गए अफगानिस्तान के अंदर तो हमारा इमेज खराब होगा ना. पाकिस्तान का जो बात है कि इंडिया एंटी हिंदू है, एंटी इस्लाम है, वो बात सही साबित हो जाएगी. तो इस कारण से इंडिया अपने सोल्जर्स तो नहीं भेज रहा है, लेकिन बहुत सारा फंडिंग दे रहा है, पैसा दे रहा है, डेवलपमेंट करा रहा है, स्कूल ला रहा है, हेल्थ हॉस्पिटल बना रहा है. इंडिया ने कई सारे इस तरह के प्रोजेक्ट लाए हैं. जैसे देखिए, हमने 2001 से $3 बिलियन खर्च किए हैं अफगानिस्तान के अंदर. ठीक है, हमने वहां का पार्लियामेंट हम बना रहे हैं, वहां पे हाईवे बना रहे हैं, जैसे जरांज देलाराम हाईवे, वहां पे डैम बना रहे हैं, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम. तो कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, स्कूल बना रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन के लिए स्किल सेंटर्स खोला है हमने. तो कई सारे अप्रोच हम लेकर के आ रहे हैं डेवलपमेंट के. लेकिन ये जो अप्रोच है ये अब फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इतने सालों में हमारी गुडविल तो इतनी अच्छी हुई नहीं. अब पाकिस्तान वापस से तालिबान के साथ अगर कोऑर्डिनेशन में आ गया तो सारे जो हमारे अभी तक का गोल था वो फेल हो जाएगा. सो वापस से इस एंगल को समझिए. हम सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान सरकार को, पाकिस्तान तालिबान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाने के लिए. अब ये गोल डेवलपमेंट लाए, इमेज अच्छा करे, ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करने वाला है. इंडिया के ऊपर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ने का खतरा है. चाइना का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ जाएगा. हो सकता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान में भी चला जाए, हो सकता है. तो मिला जुला करके मामला यह है कि इस नए डेवलपमेंट के बाद इंडिया को खतरा है, पाकिस्तान को एडवांटेज है. राइट, ये है इशू. और अब आपको समझ आ गया होगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इंपॉर्टेंट है. तो वैसे 20-30 साल पुराना इशू, 20-25 साल पुराना इशू है. सोल्जर्स आए, तालिबान बना, तालिबान गया, लेकिन अब क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ दिस डेट, 11 सितंबर 2021. इसके बाद से वो खेल फिर शुरू होगा, बम मारो, प्लेन हाईजैक करो, और इंडिया को ये टेंशन है. तो सवाल इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, डिस्कस द फैक्टर्स. ये तो मैंने पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया हर एंगल से. अब सवाल किस तरह के पूछे जा सकते हैं, तो एक सवाल भी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं. ठीक है, तो सवाल इस तरह का मान लीजिए आ सकता है कि डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर US विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान. क्यों अमेरिका बाहर जा रहा है अफगानिस्तान से? व्हाट मे बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडिया ऑन इंडिया ऑफ US विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान? व्हाट स्टेप्स इंडिया कैन टेक टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट? आखिर हम कर क्या सकते हैं, ये भी हम जानना जरूरी है. तो व्हाई US इज पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान, ये तो बात सब जानते हैं. डोमेस्टिक कंपल्सन है, 20 साल हो गए हैं लड़ाई को, बहुत खर्चा हो चुका है, बहुत सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, इसलिए अब वहां के लोग कह रहे हैं कि अब बाहर निकलो. चाइना फैक्टर, अब अफगानिस्तान के अंदर बहुत खर्चा हो रहा है, और एक तरफ चाइना जो है वो राइज कर रहा है इकोनॉमिकली, और अमेरिका जो लगा हुआ है अफगानिस्तान के अंदर ही. अब चाइना को अगर रोकना है तो अफगानिस्तान से निकलना होगा, तब तो चाइना को काउंटर कर सकते हैं यहाँ इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी वगैरह में. तो ये कारण है कि भाई अब चाइना पे फोकस कर रहे हैं अमेरिका वाले, कि चाइना को रोकना है इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी में जाकर रोकना है इसको. और इसी कारण से बोल रहे हैं अफगानिस्तान अब इंपॉर्टेंट नहीं है, हटो वहां से, निकलो वहां से. दैट इज वाई US इज पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान. और भी कारण है. देखो, अमेरिका जो है अफगानिस्तान में इंटरेस्टेड क्यों था? क्योंकि आसपास का एरिया जो है वो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में काफी रिच है. ठीक है, वेस्ट एशिया जैसे सऊदी अरबिया वगैरह, वो ईरान क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में रिच है. लेकिन अब अमेरिका के अंदर खुद ही क्रूड ऑयल नेचुरल गैस काफी सफिशियंट मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी निकाल ली है, हाइड्रोलिक फ्रैकिंग. उसके बारे में कभी और बात करेंगे. तो अब एक लाइन में अगर मैं कहूं तो अमेरिका हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, एंड दैट इज व्हाई इट इज पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान. जो इंटरेस्ट था इसका 2001 में, अब वो खत्म हो चुका है. और इसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है? इकोनॉमिक इंपैक्ट हो सकता है हमारे से. उसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा, जैसे हम सेंट्रल एशिया से एनर्जी ला सकते थे, ये सेंट्रल एशिया है, एनर्जी ला सकते थे अब, लेकिन अब वो लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर अफगानिस्तान पे इन्फ्लुएंस आ गया पाकिस्तान का और चाइना का, तो क्योंकि ईरान तो ऑलरेडी प्रो चाइना है, प्रो पाकिस्तान है. सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. स्ट्रेटजिक गोल मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना, चाइना का इन्फ्लुएंस को लिमिट करना, पाकिस्तान को सैंडविच करना, वो सब भी अचीव करना मुश्किल हो जाएगा.
और हम कर क्या सकते हैं, व्हाट ऑप्शंस वी हैव, ये भी समझना जरूरी है कि अब क्या हाथ खड़े कर लें कि भाई अब तो खेल हाथ से निकल गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वी हैव ऑप्शंस। देखो पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा नुकसान है, अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान से निकल रहा है, मतलब अमेरिका हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान जो पहले दोहरी नीति अपनाता था, इससे भी कुछ पैसे लेता था, इससे भी पैसे लेता था, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो अफगानिस्तान के अंदर जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, तो अफगानिस्तान के अंदर शांति लाने के लिए ये यूएस से भी सपोर्ट लेता था, चाइना से भी लेता था। चाइना कहता था कि हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हम प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट ला देंगे, अमेरिका कहता था कि हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो प्रो चाइना सरकार ला देंगे। लेकिन ये जो बार्गेन करने वाली, ये जो उनको दोनों साइड को थ्रेटन करने वाली जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी, ये अब काम नहीं करेगी। और इसका इंडिया कैसे फायदा उठा सकता है ये भी समझिए। अब इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है पूरी तरह से कि भाई पाकिस्तान के ऊपर लगाम लगाओ अगर टेररिज्म को कंट्रोल करना है तो। तो एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकला, अब पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए खत्म। अब इंडिया अमेरिका के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर सकता है पाकिस्तान पे लगाम लगाने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए। जब तक अमेरिका का इंटरेस्ट था अफगानिस्तान में, चाह रहा था कि कैसे भी तालिबान से बातचीत हो जाए, तब तक पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव अमेरिका नहीं दे सकता था। अब ये एंगल इंडिया को समझना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से अमेरिका का पुल आउट इज अ थ्रेट, कुछ चैलेंजेस हैं, तालिबान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आ सकता है, लेकिन इट इज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। अगर हम अमेरिका से अच्छी दोस्ती बनाए और पाकिस्तान पे दबाव बनाए तो जाकर के बात बन सकती है, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का खतरा है वो हम अपने ऊपर से टाल सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ वी फ्रेम आवर फॉरेन पॉलिसी इन फ्यूचर, ठीक है, हाउ वी फ्रेम आवर फॉरेन पॉलिसी इन फ्यूचर, इस पे निर्भर करेगा कि हमारे देश के अंदर शांति बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी। अगर हम अमेरिका को कन्विंस कर पाते हैं तो टेररिज्म नहीं होगा, अगर अमेरिका को नहीं कर पाते और पाकिस्तान तालिबान के साथ कोऑर्डिनेट करके टेररिज्म फैलाना शुरू कर देता है तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, आप कभी भी इस तरह का सवाल आए ना, कभी भी सवाल आए, न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा क्या होता है, न्यूज़पेपर में से फायदा ये होता है कि आपको अलग अलग व्यू पॉइंट पता चल जाता है, अलग अलग एंगल समझ आ जाता है। तो कभी भी सवाल आए ना आईआर में तो कोशिश कीजिए कि किसी एक्सपर्ट को कोट कर दें, सी राजा मोहन को, राकेश सूद को, हैप्पी मोहन जैकब को, न्यूज़पेपर्स में इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि आप क्या सोचते हैं, वहां पे एग्जाम में कभी नहीं पूछता कि आप क्या मानते हैं, एग्जाम में आपको बताना है कि क्या एक्सपर्ट्स मानते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट। तो देखिए सी राजा मोहन साहब ने साफ साफ लिखा है तालिबान के ऊपर, कहते हैं कि फॉर नाउ अमेरिका इज लीविंग अफगानिस्तान एंड इंडिया विल हैव टू लिव विद दिस कॉन्सिक्वेंसेस। तो एक बात तो तय है कि अब अमेरिका जा रहा है अफगानिस्तान से बाहर, अब इस बात को तो मान लीजिए कि तालिबान पावर में आ रहा है इन अफगानिस्तान, इंडिया नीड्स टू रीविजिट इट्स अफगानिस्तान पॉलिसी। पहले जो आपकी पॉलिसी थी कि अफगानिस्तान सरकार के पीछे खड़े हो जाए तालिबान को रोकने के लिए, अब ये काम नहीं करेगा, अब आपको अपनी पॉलिसी रिविजिट करनी है, रिडिफाइन करनी है। ये दो तरीके से हो सकती है, थोड़ा तालिबान के साथ भी बेहतर रिलेशन डेवलप करें कि पाकिस्तान उसका मिसयूज ना करे इंडिया के खिलाफ, प्लस अमेरिका से बातचीत करें कि वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाए कि इंडिया के अंदर टेररिज्म मत फैलाओ तालिबान की मदद से। सो इट मस्ट डेवलप इट्स और रीविजिट इट्स फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू कीप चेक ऑन बॉर्डर टेररिज्म स्पॉन्सर्ड बाई पाकिस्तान थ्रू तालिबान। ठीक है, ये है पूरा का पूरा मुद्दा, हर एंगल से मैंने डिस्कस कर दिया है, हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, करेंट चैलेंजेस इंडिया के लिए, हर एक डायमेंशन से चैलेंजेस, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक, आगे फ्यूचर पॉलिसीज क्या हो सकती है, सब डिस्कस कर दिया मैंने आपको। मैंने जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, और आप लिखिए और टेलीग्राम चैनल में आप इसको सबमिट कीजिए, हम लोग उसको चेक करके आपको फीडबैक देंगे। इससे आपको एक टॉपिक करके हमने आपको बताया कि कैसे आईआर के अलग अलग टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। मैं समराइज कर दूं, पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन से इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं, उन इश्यूज को हर एंगल से आप प्रिपेयर कीजिए और उस पर क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो दो तीन सवाल लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। एक टॉपिक मैंने करके दिखा दिया, अब आपके थोड़े बहुत डाउट्स अगर हो तो मैं ले सकता हूं।
क्वेश्चन की चिंता नहीं करनी है, ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ है ना, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन क्या था, तो ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ है इंक्लूडिंग दैट क्वेश्चन, वो आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, आप वहां से ले लेना सब कुछ। ये 10 दिनों के सेशन में जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा वर्कशॉप में, ये सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स दे दिए जाएंगे इन योर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आई डोंट थिंक आपको और कुछ किसी को डाउट कुछ पूछना है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर थोड़ा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाइए, तो हाँ इकोनॉमिक्स की एक क्लास में और लूंगा, जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था, एक क्लास में आपको लूंगा, बताऊंगा कि कैसे आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन बना सकते हैं, कंसिस्टेंसी बना सकते हैं पढ़ाई के को लेकर के, वो लूंगा। प्लस एक सेशन और मैं लूंगा इकोनॉमिक्स पे, ज्योग्राफी मृदुल सर एक सेशन लेंगे, आपको बताएंगे कैसे प्रिपेयर करना है, हिस्ट्री चिन्मोय सर लेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट आने वाले 10 दिनों में अलग अलग सेगमेंट को हम लोग डील करेंगे कि उन सेगमेंट्स को एग्जैक्टली प्रिपेयर करना कैसे है। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है, आज मैंने IR आपको एक टॉपिक करके दिखाया, आई होप आपको कुछ बातें समझ आई होंगी, और अगर समझ आई है तो आप कमेंट में लिख के भी बताइए ये क्या समझ आया, क्या डाउट्स हैं, अगर कुछ बहुत ज्यादा डाउट्स रह गए हो तो उसको कभी और डील भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कल का सेशन फिर से 5 बजे शुरू होगा, कल चिन्मय सर आएंगे और वो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर करना है वो सब बताएंगे। तो डोंट फॉरगेट द एसेंस, दीज 10 डेज वर्कशॉप विल टेल यू कि हाउ टू प्रिपेयर थिंग्स, राइट, और इसको हम लोग कल लेकर के आगे बढ़ेंगे विद सम टॉपिक्स इन हिस्ट्री। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।